हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर पैथोलॉजी प्रैक्टिकल्स, और उस टॉपिक का नाम है पेरिफेरल स्मियर इंटरप्रिटेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, ऑल्सो जो आपके ऑस्पी के चार्ट्स होते हैं जिसमें एनीमिया का डायग्नोसिस आपसे पूछता है, तो उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्टार्टिंग विथ पेरिफेरल स्मियर इंटरप्रिटेशन, अब सबसे पहले पेरिफेरल स्मियर करने की प्रोसेस क्या होती है, हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, उस पर ड्रॉप ऑफ ब्लड डालते हैं, फिर स्प्रेडर की मदद से उसको स्प्रेड करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई होने देते हैं, फिर बाद में डालते हैं लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन को हम लोग 102 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद हम डालते हैं डिस्टिल वाटर, उसको 6 से 8 मिनट के लिए रखा जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, स्मियर मिलता है। अब स्मियर को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ऑयल इमर्शन के अंदर हम क्या करते हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। और हम कौन से रीजन को ऑब्जर्व करेंगे, एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड टेल। सभी को पता है स्मियर के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, टेल, तो हम कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, एट जंक्शन ऑफ बॉडी एंड टेल। तो यहाँ पर हम लोग स्मियर को ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर मुझे RBCs देखने को मिलेंगे, WBCs देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है अगर किसको इन्फेक्शन है तो वहाँ पर मुझे पैरासाइट भी देखने को मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का पैरासाइट। ओके, तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिलेगी इन पेरिफेरल स्मियर। अब ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पेरिफेरल स्मियर का इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसका फॉर्मेट बनाना होता है। तो फॉर्मेट, PS का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, हम लोग इसमें 7 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। 7 पॉइंट्स पर पहला पॉइंट होता है सैंपल आईडी, ठीक है, सैंपल की आईडी लिखनी है। दूसरा पॉइंट होता है RBCs के बारे में, तो RBCs के लिए मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर स्मियर स्टडी शोज, फिर मुझे RBCs का जो भी डायग्नोसिस होगा वो सब लिखना है। ओके, फिर WBCs के बारे में, यहाँ पर मुझे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लिखना है। फिर प्लेटलेट्स के बारे में, फिर वी हैव टू टॉक अबाउट पैरासाइट, कि इसमें पैरासाइट है या नहीं, अगर है तो कौन सा पैरासाइट है। ओके, फिर इंप्रेशन, फिर मुझे यहाँ पर लिखना है कि हो, अगर इस पेशेंट को ये सारे मुझे दिख रहे हैं तो मुझे क्या इंटरफेरेंस निकालना चाहिए इन सारे ऑब्जर्वेशन से, तो ये मुझे लिखना है इंप्रेशन के अंदर। लास्ट में मुझे पेशेंट को कुछ एडवाइस देनी है कि तुझे ये है तो तू ये वाली टेस्ट करा, तो ऐसी कुछ मुझे एडवाइस देनी है आफ्टर दिस। तो ये 7 पॉइंट्स पर मुझे पेरिफेरल स्मियर का लिखना होता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है RBCs, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनीमिया को डायग्नोसिस करने के लिए कई बार पूछता है, तो सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है RBCs, उसमें भी एनीमियास। ओके, तो स्टार्टिंग विथ RBCs, तो कैसे स्टार्ट करना है, स्मियर स्टडी शोज। अब स्मियर के अंदर मुझे RBCs के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, अब देखो नॉर्मली स्मियर के अंदर RBC का क्या होता है, इट इज 7 माइक्रोमीटर साइज, सभी को पता है RBCs इज 7 माइक्रोमीटर साइज, कैसी होती है, बायकॉनकेव होती है ना, और इसकी जो साइज होती है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। तो स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का जो साइज होता है दैट एग्जैक्टली इक्वल्स टू RBCs का साइज। अब यहाँ पर RBCs के अंदर नॉर्मली मुझे सेंट्रल 1/3 पैलर देखने को मिलता है। अब पैलर का मतलब होता है पेलनेस, तो RBCs सभी को पता है बायकॉनकेव होती है, तो ये देखो ये बायकॉनकेव RBC है ना, बायकॉनकेव RBC है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो इन वाले रीजन्स के अंदर होता है। तो अगर मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे RBC कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब ये वाला रीजन जो है वो पेल दिखेगा, तो यहाँ पर मुझे पेल दिखेगा, मतलब पैलर दिखेगा, तो सेंट्रल 1/3 पैलर। तो देखो नॉर्मल पेरिफेरल स्मियर के अंदर ये RBCs है और मुझे यहाँ पर सेंट्रल 1/3 रीजन यहाँ पर पेल दिख रहा है, समझ गए, पेल दिख रहा है। तो नॉर्मल RBC कुछ इस प्रकार से दिखती है, एक तो क्या कि इसका जो साइज होता है इट इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट, और नॉर्मली यहाँ पर सेंट्रल 1/3 पैलर होता है। अब अगली चीज, यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है, क्या RBC के अंदर साइज में वेरिएशन है क्या, तो उसी को हम कहते हैं एनाइसोसाइटोसिस। अब साइज में वेरिएशन, इसी का मतलब क्या है एनाइसोसाइटोसिस, तो RBC की साइज वेरिएशन मतलब एक तो RBC की साइज बड़ी हो सकती है या तो RBC की साइज छोटी हो सकती है। तो अगर RBC की साइज नॉर्मल से छोटी हो जाए तो उसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक, और अगर साइज बड़ी हो जाए तो उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक। अब सभी को पता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, तो IDA और थैलेसीमिया के अंदर, दोनों के अंदर माइक्रोसाइटिक RBCs प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक ये दोनों प्रेजेंट होंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर, लेकिन थैलेसीमिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसाइटिक प्रेजेंट होंगे। अब इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इट वाज वाइडर इन केस ऑफ IDA, फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था इनकी पैथोलॉजी में डिफरेंस है, जैसे थैलेसीमिया के अंदर इट वाज अ डायनेमिक पैथोलॉजी, और सॉरी थैलेसीमिया के अंदर इट वाज अ स्टैटिक पैथोलॉजी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर इट वाज अ डायनेमिक पैथोलॉजी, जिस वजह से यहाँ पर मुझे IDW वाइडर दिखता है इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये मैंने इन डिटेल डिस्कस किया लेक्चर के अंदर, अभी के लिए बस इतना याद करो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर माइक्रोसाइटिक RBCs भी दिखेंगे, नॉर्मोसाइटिक भी दिखेंगे।
और थैलेसीमिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसाइटिक देखेंगे। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पर मैक्रोसाइटिक। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी की साइज इज ग्रेटर देन स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस की साइज। अब ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब सभी को पता है इट इज अ B9 डिफिशियंसी है ना, B12 B9 की डिफिशियंसी। अब इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस अच्छे से मैच्योर नहीं होता, तो मुझे बताओ आरबीसी जैसे जैसे मैच्योर होती है तो उसका न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, गायब होता है ना। तो जैसे ही आरबीसी मैच्योर होगी न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग या फिर कैबॉट रिंग। अब इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस ढंग से डिसअपियर नहीं हो पाता। तो ये मान लो आरबीसी है तो उसके अंदर देखो ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस ब्लू कलर से स्टेन होता है, तो यहाँ पर मुझे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस अच्छे से डिसअपियर नहीं हुआ है, तो ये देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक के अंदर डब्ल्यूबीसीज में हाइपर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सभी को पता है WBCs के अंदर जो है न्यूक्लियस के कई सारे लोब्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के लोब्स का हाइपर सेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोब्स बढ़ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं WBCs का हाइपर सेगमेंटेशन, विच इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पर देखो WBCs के अंदर अगर 5% WBCs के अंदर मोर देन 5 लोब्स दिखे मुझे पेरीफेरल स्मियर के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, या तो फिर कोई एक WBC जिसमें मोर देन 6 लोब्स हो जाए तो मैं आसानी से इसको डायग्नोस कर सकता हूँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, समझ गए। तो ये देखो ये वाली WBC इसके अंदर कितने सारे लोब्स दिख रहे हैं ना, 6-7 लोब्स दिख रहे हैं, तो इट इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, समझ गए। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट विच इज एनाइसोसाइटोसिस। अगला पॉइंट क्या है, पॉइकिलोसाइटोसिस। अब मुझे देखना है कि क्या आरबीसी के साइज में कुछ शेप में कुछ वेरिएशन है ना। नॉर्मली आरबीसी का शेप कैसा होता है बताओ, इट इज अ बाय कॉनकेव शेप। तो अगर इस बाय कॉनकेव में कुछ खराबी हो जाए, शेप आरबीसी का बदल जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉइकिलोसाइटोसिस। तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करना है, क्या आरबीसी के अंदर यहाँ पर डिग्री ऑफ मतलब वेरिएशन है शेप के अंदर, ये डिस्कस करना है। तो इसके अंदर कई सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। मान लो मुझे क्या दिख गया, स्पीरोसाइट। अब स्पीरोसाइट मतलब क्या है, स्पीयर शेप। तो स्पीयर शेप आरबीसीज ये कैसे दिखते, दे आर यूजुअली स्मॉलर देन नॉर्मल, तो आरबीसीज नॉर्मल आरबीसी से इनका साइज छोटा होगा, फिर ये थोड़े से डार्क होंगे और इनके अंदर नो सेंट्रल पैलर। मुझे बताओ अगर स्पीयर है ना, स्पीयर मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज स्मॉलर है, तो नॉर्मल आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन था वो कम रीजन के अंदर जा रहा है, मतलब स्मॉल रीजन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, बराबर। तो नॉर्मली स्पीरोसाइट्स दे आर स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसीज, दे आर डार्कर और इनके अंदर नो सेंट्रल पैलर। तो ये देखो ये पेरिफेरल स्मियर है, यहाँ पर मुझे देखो ये आरबीसी दिख रही है, ये आरबीसी दिख रही है, तो देखो यहाँ पर ये डार्कर दिख रही है और यहाँ पर सेंट्रल पैलर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो दिस इज स्पीरोसाइट। तो मुझे अगर स्पीरोसाइट दिखे तो स्पीरोसाइट, इसको मैं कहता हूँ स्पीरोसाइटिक एनीमिया। तो स्पीरोसाइटिक एनीमिया दो कंडीशंस के अंदर मुझे ऑब्जर्व हो सकता है, एक तो है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा है हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर मुझे स्पीरोसाइट दिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे स्पीरोसाइट दिख रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होंगे। तो अगर मुझको डायग्नोस करना है कि इन दोनों में से पेशेंट को क्या है, तो हम डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या कराते हैं, कूम्स टेस्ट कराते हैं। कूम्स टेस्ट इट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट कि हम डायग्नोस कर सके कि इसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है या फिर हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस है। तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में कूम्स टेस्ट इज पॉजिटिव, वेयर एज हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस के केस में कूम्स टेस्ट इज निगेटिव, समझ गए। ओके, अब अगली चीज है G6PD डिफिशियंसी। सभी को पता है G6PD डिफिशियंसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का यहाँ पर डीनेचुरेशन होता है और हीमोग्लोबिन ऐसे जाकर डिपॉजिट हो जाता है ना, ऐसे जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो G6PD डिफिशियंसी के अंदर मुझे एक तो बाइट सेल्स दिख सकते हैं इन केस ऑफ लीशमैन स्टेन, तो लीशमैन स्टेन के अंदर बाइट सेल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब समझो कि ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर डीनेचर्ड है ये लीशमैन स्टेन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता, तो मुझे सिर्फ इतना वाला रीजन ऑब्जर्व होगा, बराबर इतना वाला रीजन मुझे ऑब्जर्व होगा, तो इतना रीजन ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ये जो रीजन है इट विल बी अनऑब्जर्व। तो मुझे आरबीसीज कुछ ऐसे दिखेंगे, देखो कुछ ऐसे बाइट सेल्स है ना, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, देखो कुछ ऐसे दिखेंगे मेरे को, बराबर। तो यहाँ पर क्या था, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन था विच इज़ नॉट ऑब्जर्व, सिर्फ मुझे इतना रीजन ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइट सेल। तो ये देखो बाइट सेल, तो बाइट सेल आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ G6PD डिफिशियंसी। और यहाँ पर हिंज बॉडी इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ न्यू मिथिलिन ब्लू स्टेन। अब न्यू मिथिलिन ब्लू स्टेन इसको स्टेन कर सकता है डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन को भी। तो ये देखो ये नॉर्मल आरबीसी है और यहाँ पर ये डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, इट इज़ अ डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर मुझे G6PD डिफिशियंसी के अंदर बाइट सेल्स और हिंज बॉडी ये दिख सकते हैं, समझ गए। तो बाइट सेल किस में, लीशमैन स्टेन और हिंज बॉडी इन केस ऑफ न्यू मिथिलिन ब्लू। अगला है सिकल सेल एनीमिया। सभी को पता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर कैसे सेल्स दिखेंगे, सिकल शेप्ड सेल्स दिखेंगे, और यहाँ पर जिनको हम लोग ड्रिपेनोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो सिकल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिपेनोसाइट्स।
और यहाँ पर मुझे कई कभी कभी स्पीरोसाइट भी देखने को मिल सकते हैं और समटाइम्स यहाँ पर टारगेट सेल भी देखने को मिल सकता है, समझ गए। लेकिन मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिकल सेल्स। ये देखो, ये सिकल शेप सभी को पता है ना, सिकल का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप होता है सिकल का। तो ये सिकल सेल, सिकल शेप्ड सेल्स। तो ये देखो, ये है ना, तो ये सिकल सेल एनीमिया। अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर सभी को पता है क्या देखने को मिलता है, टारगेट सेल। अब टारगेट सेल मैंने आपको थैलेसीमिया के अंदर क्या बताया था, देखो ध्यान से, थैलेसीमिया के अंदर कुछ इस प्रकार से आरबीसी बन जाती है, बराबर, कुछ इस प्रकार से आरबीसी बन जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो इस वाले रीजन के अंदर ही जाकर बैठेगा, इन वाले रीजन्स के अंदर, है ना, इन वाले रीजन्स के अंदर। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ, इसको मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूँ, तो मुझे कैसा दिखेगा यहाँ पर, कुछ टारगेट टाइप दिखेगा कि नहीं। टारगेट कैसा होता है, कुछ ऐसा टारगेट होता है ना, तो ये टारगेट जहाँ पर निशाना लगाते वो टारगेट। तो कुछ ऐसे सेल्स दिखते हैं मुझे थैलेसीमिया के अंदर। तो टारगेट सेल, ये देखो टारगेट सेल है ना, प्रॉपर टारगेट सेल। तो टारगेट सेल इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ थैलेसीमिया। और सिकल सेल के अंदर सिकल सेल दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी टारगेट सेल दिख सकते हैं, बट टारगेट सेल मेजरली किसके अंदर दिखते हैं, थैलेसीमिया के अंदर। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है कि भाई सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बोथ ऑफ देम इज HPLC और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस। HPLC ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बोथ सिकल सेल एंड थैलेसीमिया इज HPLC एंड HB इलेक्ट्रोफोरोसिस। सबको क्लियर, ओके। अब अगली चीज़ है फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम। फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या हो रहा था, थ्रोम्बस बन रहा था, प्लेटलेट प्लग बन रहा था, क्लॉट बन रहा था। तो यहाँ पर जब RBC जाकर इसको टकराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना, फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम के अंदर क्या दिखेंगे मुझे, सिस्टियोसाइट दिखेंगे। अब सिस्टियोसाइट मतलब RBC अगर टूट जाएगी तो उसके एजेस कैसे हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे। तो सिस्टियोसाइट का मतलब होता है कि अगर किसी RBC के मोर देन 2 शार्प एजेस दिख जाए। तो ये देखो, ये मेरी RBC है, ये RBC, इसके देखो कितने सारे शार्प एजेस दिख रहे हैं ना, कितने सारे शार्प एजेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टियोसाइट। दूसरा है हेलमेट सेल। अब हेलमेट सेल का मतलब क्या है, अगर 2 शार्प एजेस दिख जाए, फॉर एग्जांपल ऐसी सेल मैंने बना दी है ना, हेलमेट टाइप, देखो हेलमेट टाइप सेल मैंने बना दी है ना, तो हेलमेट के जैसा दिख रहा है, यहाँ पर 2 शार्प एजेस दिख रहे हैं मेरे को, तो दिस इज हेलमेट सेल। तो हेलमेट सेल एंड सिस्टियोसाइट आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम। अगला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। पहले ही बोला था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर माइक्रोसाइट दिखेंगे। देखो RBC की साइज कितनी कम दिख रही है ना, छोटी छोटी साइज दिख रही है। और यहाँ पर एक बात याद रखो कि यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व पेंसिल शेप्ड RBCs। यहाँ पर हम शेप पे बात कर रहे हैं, तो शेप कैसा होगा, पेंसिल शेप्ड RBCs। अब ये देखो, ये RBC इलॉन्गेटेड लॉन्ग है ना, तो पेंसिल शेप्ड RBCs यहाँ पर मुझे देखेंगे इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, याद करेंगे, आयरन स्टडीज, आयन की स्टडीज हम लोग करेंगे ताकि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़े आयन डिफिशियंसी एनीमिया। अगला है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसके अंदर पेरिफेरल स्मियर इज नॉर्मल। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस इन RBCs इज इनएडिक्वेट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब इनएडिक्वेट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर बताओ किसी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छे से ना बने तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमेसिया। उसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा पेल हो जाएगा, बराबर, तो हाइपोक्रोमेसिया। तो इसके अंदर देर इज इंक्रीज 1/3 पैलर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मली जो सेंट्रल पैलर होता है RBC का, नॉर्मली जो सेंट्रल पैलर होता है RBC का, दैट इज 1/3 है ना। तो अगर ये 1/3 पैलर इंक्रीज हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमेसिया। और ये इनएडिक्वेट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो IDA और थैलेसीमिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज 1/3 सेंट्रल पैलर, समझ गए। अब मुझे लास्ट 2 पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो हम क्या फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मेट में हमने RBCs पढ़ा, तो RBC के अंदर मेरे को पहले पेरिफेरल स्मियर को अच्छे से देखना है, फिर मुझे बताना है स्मियर स्टडी शोज कि इसमें जितना भी हमने पढ़ा कि इसमें एनिसोसाइटोसिस है क्या, मतलब डिग्री ऑफ साइज वेरिएशन है क्या, ये लिखना है। फिर पॉयकिलोसाइटोसिस है क्या, फिर है तो कौन से टाइप का है, पेंसिल शेप है क्या है, वो सब लिखना है। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इंप्रेशन वगैरह लिखना पड़ेगा ना, इंप्रेशन और एडवाइस। तो इंप्रेशन और एडवाइस हम क्या लिखेंगे अलग अलग कंडीशंस में। अब देखो फॉर एग्जांपल किसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो यहाँ पर इंप्रेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मुझे इंप्रेशन के अंदर नहीं लिखना है कि इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है कि मुझे क्या दिख रहा है पेरिफेरल स्मियर के अंदर, वो लिखना है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है ना। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इंप्रेशन इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और इसके लिए एडवाइस क्या दोगे कि तुम आयरन स्टडीज कराओ ताकि कंफर्म हो जाए कि तुमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो आयरन स्टडीज कराओ है ना। तो ये एडवाइस है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या दिखेगा, मेगालोब्लास्टिक है बराबर, तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और इसका मुझे अगर एडवाइस देना है
कि इसको मेगालोब्लास्टिक है ये कन्फर्म करवाना है, तो मैं क्या एडवाइस दूंगा पेशेंट को कि तू तेरे B12 और B9 लेवल्स चेक करवा, है ना, मेगालोब्लास्टिक के अंदर B12 B9 कम हो रहे तो इन दोनों की लेवल्स चेक करवा, ये एडवाइस मिलेगी। अगला है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के अंदर क्या दिखता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है ना विद टारगेट सेल, ऐसा लिखना है ना, थैलेसीमिया के केस में क्या लिखना है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विद टारगेट सेल, सबको क्लियर है। थैलेसीमिया के अंदर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर RBC की साइज छोटी होती है, हाइपोक्रोमेसिया होता है और यहाँ पर टारगेट सेल प्रेजेंट है। तो इसका अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन कराना है, मैंने पहले ही बताया था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस HPLC एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें भी HPLC इज मोर प्रिफर्ड एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर इंप्रेशन क्या लिखना है, सिकल सेल शेप्स फाउंड, सिकल शेप्ड सेल्स फाउंड, पेरिफेरल स्मियर के अंदर मुझे सिकल शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं, और इसको भी मुझे अगर एडवाइस देना है तो मैं क्या बताऊंगा, HPLC या फिर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा। अगला है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, इन दोनों कंडीशंस के लिए मैं क्या लिखूंगा इंप्रेशन के अंदर, स्पिरोसाइटिक एनीमिया। डायरेक्टली मुझे लिखना है क्या कि इसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक है या फिर हेरिडिटरी है, नहीं लिखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाऊंगा कि यहाँ पर स्पिरोसाइटिक एनीमिया है, और मुझे कंफर्म करना है कि इसको ऑटो इम्यून है या फिर हेरिडिटरी वाला है, तो मैं क्या करूंगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस कूम्स टेस्ट, क्लियर। तो ये सारे मुझको मेजरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और ये मुझे एग्जैक्टली लिखना होता है, समझ गए। तो दिस इज इंप्रेशंस एंड एडवाइस। अब ये पूरा होता है RBC के बारे में, तो RBC के बारे में इतनी सारी चीजें हमको पेरिफेरल स्मियर के अंदर ऑब्जर्व करनी होती है। नाउ कमिंग टू WBCs, अब WBCs के अंदर सबसे पहले मुझको लिखना है टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट, तो मुझे टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट लिखना है, नॉर्मली कितना होता है, इट इज 4000 टू 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद मुझे लिखना होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब मुझे यहाँ पर न्यूट्रोफिल का काउंट या फिर पॉलीमॉर्फ्स का काउंट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन सभी का काउंट लिखना होता है। नॉर्मल परसेंटेज इनके इतने होते हैं ना, तो ये सारे नॉर्मल परसेंटेज होते हैं। अब इनको मुझे पहचानना कैसा है पेरिफेरल स्मियर के अंदर, तो याद रखो कि न्यूट्रोफिल जो होता है इट इज मल्टीलोबुलर, इसकी जो साइज होती है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 12 माइक्रोमीटर। अगला है यहाँ पर बेसोफिल, बेसोफिल का एस शेप न्यूक्लियस होता है, ओके। फिर इओसिनोफिल, यहाँ पर इट इज अ बायलोब न्यूक्लियस, दो लोब होते न्यूक्लियस के और इसकी भी साइज 10 टू 14 माइक्रोमीटर होती है। अब ये तीनों जो है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, दिस आर ग्रैन्यूलोसाइट, तो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ना, ग्रैन्यूल्स। और ये जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, दिस आर ए ग्रैन्यूलोसाइट। मोनोसाइट को कैसे पहचानना है, हॉर्सशू शेप है ना, हॉर्सशू शेप्ड होता है। फिर यहाँ पर लार्जेस्ट सेल होता है, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल, इसकी साइज होती है 14 टू 18 माइक्रोमीटर, समझ गए। सो दिस इज मोनोसाइट। अगला है लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट का जो साइज होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ RBC, मैंने पहले बताया था RBC के साइज के इक्वल होता है ना, इसका साइज कितना होगा फिर 7 टू 10 माइक्रोमीटर। फिर यहाँ पर जो स्मॉल लिम्फोसाइट को कैसे पहचानना है कि इसका जो न्यूक्लियस है इट ऑक्यूपाइज एंटायर सेल वॉल्यूम, तो पूरे के पूरे सेल वॉल्यूम का जो ऑक्यूपाई करेगा वो न्यूक्लियस कर लेगा। और लार्ज लिम्फोसाइट कैसे होते हैं, उनकी साइज होती है डबल द साइज, मतलब 14 टू 16 माइक्रोमीटर, और इसका जो है 90% सेल वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्यूपाई होता है और इसका किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज अबाउट लार्ज लिम्फोसाइट। तो स्मॉल लिम्फोसाइट, अब मुझको ये देख के बताओ ये स्मॉल लिम्फोसाइट है या लार्ज लिम्फोसाइट है, कैसे पहचानना है। पहले तो ये देखो न्यूक्लियस कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पर 70% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दिस इज अ स्मॉल लिम्फोसाइट, दिस इज स्मॉल लिम्फोसाइट। और स्मॉल लिम्फोसाइट की जो साइज होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ RBC, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ RBC। तो ऐसे मुझे पहचानना है लिम्फोसाइट्स को, समझ गए। सो दिस इज अबाउट WBCs। WBCs में मुझे इतना ही मेजरली लिखना होता है, सेकेंड ईयर के अंदर लिम्फोमास के कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर, ल्यूकेमियाज के, ये सारे मुझे यूजुअली नहीं पूछते, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुझे सारे फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगा कि ल्यूकेमियाज लिम्फोमास के अंदर कौन से फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं WBCs के अंदर। मेजरली सेकेंड ईयर फोकस करता है एनीमियाज के ऊपर, मतलब RBCs के ऊपर, लेकिन WBC के अंदर आपको क्या लिखना है, सिर्फ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ओके, इतना सब कुछ मुझको लिखना है। अब अगली चीज़ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर भी ज़्यादा पूछता नहीं है सेकेंड ईयर में। प्लेटलेट्स के अंदर एक तो नॉर्मली आपको देखो, नॉर्मली ये पेरिफेरल स्मियर है, यहाँ पर मुझे ये सारे प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, तो नॉर्मली हर 7 से 8 RBC के अंदर मुझे एक प्लेटलेट दिखना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर प्लेटलेट्स दिख रहे हैं मुझको, तो हर 7 से 8 RBC के अंदर मुझको एक एक प्लेटलेट दिख रहा है, ओके। और प्लेटलेट के बारे में मुझको क्या लिखना है कि भाई प्लेटलेट एडिक्वेट है पेरिफेरल स्मियर के अंदर, क्या मुझको 7 से 8 दिख रहे हैं, मतलब 7 से 8 RBC के अंदर एक प्लेटलेट दिख रहा है या नहीं, तो उसको एडिक्वेट कहेंगे। अगर कम दिख रहे हैं तो डिप्लेटेड कहेंगे। अगर प्लेटलेट डिप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, बराबर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगली चीज़ यहाँ पर जायंट प्लेटलेट, ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जायंट प्लेटलेट मुझको इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखो ये प्लेटलेट है, इसकी जो साइज है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू बाकी प्लेटलेट्स।
आरबीसी पे भी बड़ी साइज दिख रही है ना, आरबीसी से भी कंपेयर टू बड़ी साइज दिख रही है इसकी, इस वजह से क्या है जायंट प्लेटलेट विच इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो ये मुझे प्लेटलेट के बारे में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एडिक्वेट है या डिप्लेटेड है। डिप्लेटेड होगा तो उसको क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है क्या, इतना ही लिखना है। लास्ट क्या है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, फॉर्मेट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सैंपल आईडी देख लिया, आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया, प्लेटलेट देख लिया, इंप्रेशन देख लिया, एडवाइस देख लिया। अब मुझको देखना है यहाँ पर पैरासाइट, क्या यहाँ पर कोई पैरासाइट प्रेजेंट है ना। ये माइक्रो का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। तो लास्ट क्या देखना है मुझको, पैरासाइट है ना। तो पैरासाइट के अंदर भी मेजरली हमको देखना है पेरिफेरल स्मियर फॉर मलेरियल पैरासाइट, पीएस फॉर एमपी है ना, पीएस फॉर एमपी। तो इसके अंदर मलेरिया के अंदर सभी को पता है हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होता है। मलेरिया के अंदर क्या होता है हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। तो अगर किसी को हिपेटोस्प्लीनोमेगैली है तो हम उसका पीएस कराते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसके ब्लड के अंदर क्या यहाँ पर मलेरिया का पैरासाइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मलेरिया के दो पैरासाइट हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को कैसे पहचानना है, इसका जो फॉर्म होता है इट इज़ अ सिंगल रिम फॉर्म इन आरबीसी। तो देखो यहाँ पर आरबीसी है, दिस इज आरबीसी, और इसके अंदर ये सिंगल सिंगल रिंग्स दिख रहे हैं ना, सिंगल रिंग्स फॉर्म ये किसके केस में होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के अंदर कैसे दिखते हैं, मल्टीपल रिंग फॉर्म्स, ये देखो बहुत सारे मल्टीपल रिंग फॉर्म दिख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अब इनका गैमेटोसाइट कैसा दिखता है यहाँ पर पेरिफेरल स्मियर के अंदर, तो गैमेटोसाइट या फिर शाइजोंट इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कैसा दिखता है, इट इज़ अ राउंड शेप, कैसा होता है राउंड शेप। और इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम इट इज़ अ बनाना शेप, कैसा होता है बनाना शेप होता है। और ये जो गैमेटोसाइट है या फिर शाइजोंट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का, ये कैसे पहचानना है, राउंड शेप है और इसके अंदर क्या होता है ब्लू स्ट्रक्चर होता है विथ ब्लू डॉट्स, ब्लू स्ट्रक्चर विथ ब्लू डॉट्स। तो ये क्या होता है गैमेटोसाइट। तो मुझे क्या दिख रहा है पेरिफेरल स्मियर के अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का मुझे पैरासाइट दिख रहा है, सिंगल रिंग फॉर्म दिख रहा है, मल्टीपल रिंग दिख रहा है फाल्सिफेरम का, गैमेटोसाइट में क्या दिख रहा है। तो वो सारी फाइंडिंग मुझको लिखनी होती है पेरिफेरल स्मियर फॉर मलेरियल पैरासाइट के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है फिलेरिया वगैरह ये सारी माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे। तो अगला क्या है, ओके नॉर्मली पेरिफेरल स्मियर के अंदर हमको पैरासाइट नहीं दिखते, लेकिन अगर कोई मलेरिया से इन्फेक्टेड होगा तो हमें ये सारे फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मुझे लिखना है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, नो पैरासाइट फाउंड या फिर पैरासाइट फाउंड, और पैरासाइट फाउंड के अंदर ऐसे मुझको फाइंडिंग्स लिखने होते हैं। तो समझ गए, सो दिस इज ऑल अबाउट पेरिफेरल स्मियर इंटरप्रिटेशन फॉर सेकेंड ईयर। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइज, मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल पसंद आया होगा वीडियो, तो बिल्कुल शेयर करो आपके पूरे बैचमेट्स के साथ, है ना। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।